हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस तरह का एक गेमिंग थंबनेल के मोंटेज थंबनेल कैसे बना सकते हैं अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, एक लाइटरूम और एक पिक्सल लैब। तो इन दोनों एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके सबसे पहले आपको यहाँ पर लाइटरूम को ओपन कर लेना है। आपको सबसे पहले तो आपने जो भी अपना गेम प्ले रिकॉर्डिंग होगा उसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लेना है, और यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर लेकर आना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोटो यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपको यहाँ पर उस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ऐड कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ देखिए ऑल फ़ोटो पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए वो फ़ोटो यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर ये रहा वो फ़ोटो। इस तरह से आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है अपने गेम प्ले का, और यहाँ पर ऐड कर लेना है लाइटरूम में। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक यहाँ पर मैं इस प्रीसेट का यहाँ पर आपको लिंक दे दूँगा। इस प्रीसेट को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड लिंक मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर इस प्रीसेट की आपको सेटिंग यहाँ से कॉपी कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको कॉपी सेटिंग पर क्लिक करना है, पर ऊपर की तरफ आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर इसकी जो सेटिंग है वो कॉपी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको बैक आना है, और यहाँ पर आपको इस जो आपने फ़ोटो अभी ऐड किया था इसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको पेस्ट सेटिंग पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर पेस्ट सेटिंग पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको इस फ़ोटो को अपने फ़ोन में सेव कर लेना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको इसको सेव टू डिवाइस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके फ़ोन में ये फ़ोटो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों लाइट रूम का काम यहाँ पर हो चुका है। अब आपको जाना है पिक्सल लैब में। तो यहाँ पर हम पिक्सल लैब को ओपन करते हैं, और यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको इमेज साइज पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको कस्टम पर क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको यूट्यूब थंबनेल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और ओके कर देना। अब यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको इसको इस तरह से सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, उस फोटो को यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है जो आपने अभी लाइट रूम में बनाया था। तो यहाँ पर मैं इस फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपका ये फ़ोटो आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख देना है, जो भी आप लिखना चाहते हो जिससे रिलेटेड आपकी वीडियो है वो यहाँ पर टेक्स्ट आपको लिख देना है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं यहाँ पर थंबनेल आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाउ टू मेक मोंटेज। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थंबनेल। तो इस तरह से आपको यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है हाउ टू मेक थंबनेल। अब यहाँ पर आपको इस टेक्स्ट पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर क्लिक करना है इस ए वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको इस तरह स्लाइड करना है। और यहाँ पर आपको एक फ्रंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको फ्रंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर देखिए आपको एक फंट मिलेगा इस तरह का मेम फंट, इस पर आपको क्लिक करना है और ओके कर देना है। उसके बाद आपको इसी तरह से सेकंड और थर्ड वाले का भी फंट यहाँ पर चेंज कर देना है। अब इतना करने के बाद आपको इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, जितना आप इसको बड़ा करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर इसका भी साइज़ यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ। इस तरह से आप इनका साइज़ यहाँ पर बड़ा कर सकते हो। इस तरह से आपको इसको थोड़ा सा यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए इस तरह से इस एक एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको इस तरह से स्लाइड करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्ट्रोक, स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को एनेबल कर देना है, और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ करना है। यहाँ पर आपको कलर मिलेगा, यहाँ पर आप जो भी कलर आपको पसंद हो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसका जो ब्लैक कलर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको इस लाइन को यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से बढ़ाना है, जितना आप इसको करना चाहो उतना कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर मोंटेज वाला को भी सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसी तरह आपको यहाँ पर इसको भी एनेबल कर देना है, और यहाँ पर इसका भी आपको कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसका भी इस तरह से कर देता हूँ।
उसके बाद आपको यहाँ पर थंबनेल वाला ऑप्शन भी यहाँ पर आपको इसी तरह से सेलेक्ट करना है और यहाँ पर स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं थंबनेल का जो कलर है वो पहले यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तो इसका कलर मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसका जो स्ट्रोक कलर है, स्ट्रोक कलर मैं यहाँ पर इसका कर देता हूँ ब्लैक, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा ब्लैक को यहाँ पर पीछे से बढ़ा देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर आप एक एरो यहाँ पर दे सकते हो, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर एक एरो लगा के। तो यहाँ पर मैं एरो सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। आप यहाँ पर एरो सेलेक्ट करके यहाँ पर जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से, आप इस तरह से दोस्तों आप एक एरो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप और भी यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरह का यहाँ पर PNG बहुत सारे यहाँ पर नेट पर मिल जाएंगे। इस तरह से इस PNG को यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका भी स्ट्रोक आपको यहाँ पर बढ़ा देना है जैसा भी आप करना चाहो। तो यहाँ पर मैं इसका स्ट्रोक यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको एक शैडो का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको शैडो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप इसको अगर शैडो देना चाहते हो तो यहाँ पर शैडो भी दे सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर कलर अच्छा लगे वो कलर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो थंबनेल है यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको यहाँ पर सेव करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा इसका शेयर का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कस्टम पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसको अल्ट्रा क्वालिटी में यहाँ पर सेव कर लेना है। तो अल्ट्रा क्वालिटी में मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो थंबनेल है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपने YouTube वीडियो के लिए यहाँ पर मोंटेज थंबनेल बना सकते हो और आप इसको यहाँ पर और भी अच्छी तरह से बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।